दोस्तों, फ्रांसीसी ऊर्जा समूह EDF ने हाल ही में भारत में दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में मदद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फ्रांस की ऊर्जा कंपनी EDF ने कहा है कि उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी NPCIL के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 दबाव वाले वाटर रिएक्टर बनाने के लिए बाध्यकारी तकनीकी वाणिज्यिक पेशकश जमा की है। ऊर्जा कंपनी ने इस कदम को मील का पत्थर बताते हुए कहा है कि इस आधार पर आने वाले महीनों में एक बाध्यकारी समझौते की दिशा में चर्चा आगे बढ़ सकेगी। जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक समझौता होने के बाद NPCIL और EDF के बीच वार्ता में प्रगति हुई। तकनीकी वाणिज्यिक पेशकश के साथ साथ परियोजना के वित्त पोषण पर बातचीत फिलहाल जारी है। इसके अलावा भारत में विनिर्माण के जरिए स्थानीयकरण बढ़ाने के तरीकों को लेकर दोनों पक्षों के बीच विचार विमर्श जारी है। EDF समूह के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जां बर्नार्ड लेवी के अनुसार ये महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमारे भारतीय साझेदार के साथ बने विश्वास और EDF तथा NPCIL के दलों के सहयोग और निरंतर प्रयासों के कारण हासिल हुआ है। भारत और फ्रांस परमाणु साझेदारी बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार पूरी तरह बन जाने के बाद ये प्लांट 10 गीगावाट बिजली देगा, जो लगभग 70 लाख घरों के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है कि 15 साल में निर्माण पूरा हो जाएगा, लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले इसे बिजली पैदा करने में सक्षम होना होगा। EDF के एक बयान में कहा गया है कि अनुबंध को अगले कुछ महीनों में अंतिम रूप मिल जाएगा। यहां हम आपको बता दें कि EDF खुद पावर प्लांट का निर्माण नहीं करेगा, लेकिन परमाणु रिएक्टर्स देगा, जिसमें US पार्टनर GE स्टीम पावर शामिल है। अभी तक इस बारे में कोई वित्तीय जानकारी जारी नहीं की गई है, लेकिन इसमें 10 अरब यूरो का खर्चा आने का अनुमान है। EDF का आकलन है कि इस परियोजना के जरिए निर्माण के दौरान 25,000 स्थानीय नौकरियां बनेंगी, जबकि करीब 2700 लोगों को स्थायी नौकरियां मिलेंगी। यहां हम बता दें कि भारत ने पहले ही अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान जैसे देशों के साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए कई समझौते किए हैं। भारत का पारंपरिक सहयोगी रूस इसे परमाणु ईंधन की आपूर्ति करता है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।